पुष्कर में बैजनाथ महादेव शिव मंदिर की पहाड़ी पर 11 साल की बच्ची का शव मिला है। बच्ची करीबी गांव होकरा की रहने वाली थी। दुष्कर्म के बाद बच्ची की हत्या की आशंका है। हमने जाके देखा कि एक बालिका जो बकरी तराने आती थी, होकरा बड़ी होकरा गांव की थी, उसकी बलात्कार के बाद निर्मम हत्या कर दी गई। पुलिस लगी हुई है, हमारी सबसे मांग है कि जल्दी से जल्दी हत्यारों का पकड़ा जाए। बच्ची पहाड़ियों पर सोमवार सुबह बकरियां चराने गई थी, देर शाम तक घर नहीं लौटी। परिजन ने तलाश की, देर रात उसका अर्धनग्न शव झाड़ियों के बीच पड़ा मिला। बड़ी खबर मिल रही है, पुष्कर में 11 साल की मासूम के साथ बलात्कार किया गया, उसकी हत्या कर दी गई। पुष्कर के निकट खोरी गांव की पहाड़ियों में मासूम का शव मिला है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी। ग्रामीणों में आक्रोश है और आरोपी की गिरफ्तारी की मांग ग्रामीण कर रहे हैं। तो देखिए, 11 साल के मासूम के साथ पहले उसके साथ बलात्कार किया, उसके बाद उसकी हत्या कर दी गई। पूरा जो मामला है अजमेर के पुष्कर का है। पुलिस ने शव को कब्जे में लेकर जांच शुरू कर दी, लेकिन इन सब के बीच में ग्रामीणों में गुस्सा देखने को मिला। जो अभी सपना के साथ हुआ ना, कभी किसी और के साथ नहीं होना चाहिए। मैं ये जिम्मेदारी आप लो तो अभी बोलो। सजा नहीं, फांसी होनी चाहिए। फांसी फांसी अच्छी तरह आप लोगों को ये समझा दूं, हमारा काम है कानून व्यवस्था बनाए रखना और मुजरिमों को गिरफ्तार करना, जो भी अपराधी हैं उनको गिरफ्तार करना, ठीक है। ये लोग हमारे समाज से पैदा होते हैं और हमारे बीच में से एक होते हैं, ये हमारे ही बच्चे हैं और ये कोई बाहर के तो है नहीं। तो हमें हमारे समाज को, जैसे आप हम लोग जो है सपना न्याय दिला के हम सांस लेंगे। सभी ग्रामवासी से निवेदन है, डांग वालों से निवेदन है, आज शाम रही कब मेरा कर्ज चुकाओगे। मेरा गंबर मुझसे पूछ रहा कब अपना धर्म निभाओगे। मैंने वचन दिया भारत माँ को, वचन दिया भारत माँ को, तेरा शीश नहीं झुकने दूंगा। टेम्पो नहीं, मुझे मैं जाप रहा हूँ।